भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ममता लांचीवार रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ी हैं, साथ ही में प्रशांत मुंगेली से जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करते हैं, पहले प्रशांत से जानते हैं। प्रशांत, अद्भुत संयोग, आज सोमवार है, सावन का महीना आज समाप्त, पूरा रक्षाबंधन का त्यौहार है, अद्भुत संयोग, कैसे मनाया जा रहा है पर्व? अनुसार या 30 साल के बाद इस तरह का संयोग बना है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि मुंगेली जिले में 6 अगस्त तक लॉकडाउन है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके, शासन के नियमों का उपयोग करके श्रद्धालु जो है शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं, मुंगेली जिले के ऐतिहासिक मस्कुदी पीसी शिव मंदिर, मुंगेली नगर का शिव मंदिर और इसके साथ ही लोरमी के शंकर मंदिर जो प्रमुख आस्था के केंद्र माने जाते हैं, वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जो है पहुँच रही है। तो श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, बताएंगे कितनी मनोकामना आपकी पूरी होगी, किस तरह की आस्था है। 8 साल हो गया है उनको श्रृंगार करते हुए, प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठ के आके भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। आज भी श्रृंगार किया है और श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। ये मैं बता दूं पुनीत, इस समय जहां हम खड़े हैं ये लोरमी का शंकर मंदिर है, जहां भक्तों की अटूट आस्था है। मैं बता दूं कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है और लगातार इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जो शिवलिंग है इसका आकार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और भक्तों का जो आने का क्रम है वो यहाँ जारी है और भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं और जो भी भक्त अपनी मनोकामना यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी पूरी होती है। हालांकि लॉकडाउन के चलते इस बार विशेष आयोजन जो मंदिरों में होते थे, धार्मिक बड़े अनुष्ठान या धार्मिक बड़े आयोजन जो होते थे या कांवर यात्रा होती थी, वो यात्रा इस बार नहीं हो रही है और लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जी पुनीत, बिल्कुल, भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं और रक्षाबंधन का पर्व भी आज मनाया जाना है। कैसे यहाँ पर कोरोना के काल के बीच में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है, इसकी क्या तैयारियां हैं? जी मैं बता दूं कि मुंगेली जिला प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए बाजारों को खुलने की छूट दी गई थी और 4-5 दुकानें जैसे राखी की दुकानें, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, मनिहारी की दुकान, ऐसे दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने की छूट दी गई थी, जिससे लोगों ने 2 दिनों में जमकर खरीदारी की है और रक्षाबंधन के त्यौहार में जिस तरह का उत्साह देखा जाता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। और शुभ मुहूर्त में आज बहनें जो है अपने भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ